2003 में बनी अनरिलीज फिल्म संध्या के निर्माता थी आयशा श्रॉफ और फिल्म के निर्देशक थे संगीत शिवन ये फिल्म जैकी श्रॉफ प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित हुई थी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जैकी श्रॉफ रवीना टंडन आशुतोष राणा डैनी जावेद जाफरी सोफिया हक और राकेश वापट और संगीतकार थे आनंद राज आनंद इस फिल्म में आशुतोष राणा द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था डॉक्टर सिंघानिया और जैकी सॉफ्ट द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था जग्गू आज तक रिलीज ना हुआ मॉडर्न मिस्ट्री फिल्म संधा की कहानी कुछ इस तरह थी डॉक्टर सिंघानिया एक मानसिक अस्पताल में काम करते थे एक रात उनकी आंखों के सामने उनके पूरे परिवार की हत्या हो गई। डॉक्टर सिंघानिया ने अपने पूरे परिवार को अपने ही आंखों के सामने कत्ल होते देख अपना मानसिक संतुलन खो बैठे उसके बाद उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका लंबे समय तक इलाज किया गया ठीक होकर अस्पताल से छुटकारा पाने के बाद डॉक्टर सिंघानिया ने अपने घर में खुद का नर्सिंग होम बनाने का और वहां डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने का फैसला किए उन्होंने अपने नर्सिंग होम का नाम रखा संध्या लेकिन फिर वो जल्द ही महसूस करने लगे कि उनके लिए परिवार के बिना अपना पूरा जीवन बिताना नामुमकिन है तन्हाई के वजह से वो मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो गए जैसे जैसे उनके पूरे परिवार की हत्या की दिन की तारीख नजदीक आती जा रही थी डॉक्टर सिंघानिया का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था उन्हें एहसास होता है कि इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा बहुत सोचने के बाद डॉक्टर सिंघानिया ने फैसला किया कि वो अपने अपने जीवन ही समाप्त कर देंगे। अपने इस फैसले को अंजाम देने के लिए उन्होंने खुदकुशी नहीं की उन्होंने जग्गू नाम के एक भाड़े के गुंडे की शरण ली और उसे खुद को मारने के लिए सुपारी दे दी तय होता है कि जिस रात डॉक्टर सिंघानिया के पूरे परिवार की हत्या हुई थी उसी रात जग्गू डॉक्टर सिंघानिया को मार डालेगा सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है और जिस दिन जग्गू डॉक्टर सिंघानिया के हत्या करेगा वो दिन धीरे धीरे आगे आता है लेकिन इसके बाद ही फिल्म की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जग्गू को यह महसूस होता है कि पूरी बात में एक बड़ी गड़बड़ी है एक बड़ी साजिश के जाल में उसने खुद को फंसा लिया है जहां अब उसका खुद का जान जोखिम में है इस फिल्म की शूटिंग 2003 में शुरू हुई थी फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज कर दिया गया था लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम या आर्थिक दिक्कतों के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इस फिल्म के शूटिंग के दौरान स्टारकास्ट में भी काफी बदलाव आया अक्षय खन्ना की जगह राकेश वापट को लिया गया था विवेक ओबेरॉय को फिल्म में एक रोल का ऑफर दिया गया था जिसे उन्होंने निभाने से इनकार कर दिए थे संध्या की शूटिंग खत्म होने के बाद जैकी श्रॉफ प्रोडक्शन आत्मा नामक एक हॉरर मूवी पर काम करना शुरू कर दिया तुलसी राम से और श्याम राम से द्वारा निर्देशित फिल्म आत्मा के मुख्य कलाकार थे जैकी श्रॉफ और ममता कुलकर्णी लेकिन इस फिल्म का काम भी आखिर में रद्द कर दिया गया लगभग बीस साल होने को चला फिल्म संध्या को थिएटर हॉल में रिलीज कराने का कोई उद्योग कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है आज ओ के जमाने में कम से कम इस मर्डर मिस्ट्री को ओ टी प्लेटफॉर्म में जरूर रिलीज करना चाहिए